शास्त्रों में पाठ पूजा के दौरान सुपारी का इस्तेमाल शुभ माना जाता है। ज्योतिष के मुताबिक पूजा में सुपारी रखने से जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इसके अलावा सुपारी के कई उपायों के बारे में भी ज्योतिष शास्त्र में वर्णन मिलता है। ऐसे में आज हम आपको सुपारी के कुछ बेजोड़ और चमत्कारी टोटके बताने जा रहे हैं, जिन्हें आजमाने से न सिर्फ आपके घर में मौजूद धन की तिजोरी भरी रहेगी बल्कि अन्न की भी कभी कमी नहीं रहेगी। आपने अक्सर देखा होगा कि पूजा के समय खड़ी सुपारी का इस्तेमाल किया जाता है। मान्यता है कि पूजा के पश्चात इस सुपारी को अपने लॉकर में जहां धन रखा जाता है वहां पर रख देना चाहिए। इसे घर में धन लाने वाला टोटका माना जाता है। शनिवार की रात किसी भी पीपल के पेड़ की पूजा करके वहां एक रुपए का सिक्का और एक सुपारी रख दें। दूसरे दिन जाकर उस पेड़ से एक पत्ता तोड़ लें और उस पत्ते में सुपारी और सिक्के को रखकर लाल रंग के धागे से बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। माना जाता है इससे व्यापार में लाभ होता है। अगर आपका कोई काम रुका हुआ है और कई प्रयासों के बाद भी नहीं हो पा रहा तो अपने पर्स में दो लौंग और एक सुपारी रख लें। काम के समय लौंग को मुंह में रख लें और सुपारी को किसी मंदिर में चढ़ा दें। ज्योतिष के अनुसार कार्य में आ रही बाधा जल्द दूर हो सकती है। विवाह में देरी हो रही है या फिर सही जीवन साथी नहीं मिल रहा है तो एक सुपारी पर अबीर लगाकर चांदी के डिब्बे में रखें और पूर्णिमा की रात घर में पूजा स्थान पर स्थापित कर दें। इससे शादी की रुकावट का जल्द समाधान हो जाता है। यदि आपके किसी काम में बाधा आ रही है तो पान के एक पत्ते पर सिंदूर और देसी घी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। अब एक सुपारी को कलावे में लपेटकर इस पत्ते पर रखकर इसकी पूजा करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से बाधाएं दूर हो जाती हैं।